साइज फ्रिजेस और मैं आज की बताने वाली हूँ डिस्प्ले साइज को कस्टमाइज कैसे करें। और फ्रेंड्स मेरे पास है ओप्पो A15। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग पर जाने में तो आपको डिफरेंट फेस नजर आएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको स्टिकर इंटरफेस मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको ये देखिएगा डिस्प्ले साइज, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद आप ये देखेंगे जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ करेंगे आप। जैसे आपको सबसे लॉन्ग करके बता देती, देख सकती हैं सबसे लॉन्ग है। और आपको सेटिंग को ओपन सेटिंग में भी जगह दिखा देती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार से लॉन्ग है। और फ्रेंड्स आपको अगर ये भी पसंद नहीं है तो आप सबसे स्मॉल, मुझे सबसे स्मॉल वाला दिखाती हूँ, तो कस्टमाइज़ करके डिस्प्ले साइज़ पे वापस जाएंगे और यहाँ से आप स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्मॉल हो चुका है। देख सकते हैं जिस प्रकार ये यहाँ पे कस्टमाइज़ हो रहा है, इसी प्रकार आपका सेटिंग पे भी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इधर कस्टमाइज हो चुका है और यहाँ पर भी कितने छोटे छोटे से हो रहे हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि इसी प्रकार से आप इसे डिस्प्ले साइज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं मीडियम रखना चाहूँगी, इतना भी ज़्यादा छोटा अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। और फ्रेंड्स ये मतलब कि मीडियम है तो आप यहाँ से बैक करेंगे और वापस मेरा ये मीडियम हो चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे किस प्रकार से ये कस्टमाइज हो चुका है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप आप सीख चुके कि डिस्प्ले साइज़ को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।